लेकिन अपर बेल्ट रहे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उस हिसाब से नहीं मैसर थी या डंगी वचा एरिया के अपर एरिया जो वहां के बच्चे थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन डिग्री कॉलेज ने नेशनल हाईवे पे लगाया ताकि हमारे रामा अपर एरिया को भी आसानी हो जाए, लोअर बेल्ट को और इजी आदत कोई किसी का सुनता नहीं। 5 बजे गए लोग परेशान हाल तमीर तरक्की नाव जमीन पे हकी अमली गमीन पे अमली चीज ग इसलिए वन आव मौक ये मौक तलाश इस कर जम्मू कश्मीर स्टेट असम्बली पे क्योंकि यूटी मज वन मगर कह फोरम थो एवलेबल अम ब्रो फोरम दिन खुद तैयार कह बह वन तहनस मज थ यम जमात 2 अगस्त पत् वो 2 अगस्त पत् आई वजूद मज हम दिल मे दिल मका तम ब्रोकन आम हे कुछ गु सुप्रीम कोर्टस मे करू इलेक्शन जफर गो फिलहाल कुछ वही नियर पे हम तथा इलेक्शन मगर सर जमात कथ पे फोरम ना इलेक्शन लड़ू ताकि लुकन हम मसल ग बिजली हूं मामल राशन मामल सड़क हंद मामल रोजगार मामल आब मामल वसल दरपेश मसल कुछ कर दूर अफसर हकन दू अफसर से फीस वीस अफसर हकन दो सास रुप सर्द एम एल ए मिनिस्टर हक सर एम एल एस वाज मिनिस्टर मिनिस्टर वाज चीफ मिनिस्टर एस डी एम सब समक पचा नफर डी सी सब समक 30 नफर चेक पान समक बाकी काम इसलिए जमूरियत मन राज अवमी राज मुतबादल गवर्नर रूल मुतबादल चूंकि गए कामयाब अल्लाह तला दुक मौक और सुप्रीम कोर्टन दुक मौक वन इलेक्शन लड़ना हम हम लड़ अस लूकन नश ग साथियन ग नौजवान बुजुर्ग ये जमात खुद तुम मेहनत कर तुम गो पी असम्बली ये वक्त तुम पी असम्बली तुह नुमाइंद हे पगह मिनिस्टर तन तुम पगह तुम त बेच करेक्ट वे सारे सारे करेक्ट
चाहता हूँ। दो दिन पहले हमने डिसाइड किया कि बहुत सारे हमारे साथी जो है अपने अपने हलकों में काफी मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत के चलते उनकी ये डिमांड थी कि बहुत सारे नए साथी हमारे साथ मिलना चाहते हैं, पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आज उसी का दिन था। आज आपने देखा यहाँ बहुत भीड़ उमड़ के आई थी, साथियों का प्यार है, जितने भी हमारे साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हैं और जो नए साथी हैं, खासकर उनका काबिल जिक्र मैं नाम लूँगा, डॉक्टर हमीदुल्ला बीर साहब एक समाजी कारकुन है, कुछ सालों से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रफ़ियाबाद में। तामीर तरक्की के लिहाज से देखिए 2014 के बाद मैं नहीं कहूँगा डेवलपमेंट साइड में कुछ हुआ नहीं खास। आपको बताओ तो मास्को का ब्रिज था, हमारे यहाँ एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मंडी है, वहाँ वो ब्रिज नबार्ड में मैंने सैंक्शन करवाया था, काम भी हो चुका था उसमें, 6 महीने 8 महीने काम था उसमें 2014 के बाद। मुझे पता उसमें कोई पेशरफ नहीं है, उसको लैंग्वेजेस में पे नहीं डाला। 10 साल हो गए वो ब्रिज का ब्रिज वहीं पर, और लोगों को दिक्कत हो रही है वहां पर। अभी आज के सीजन में आज फ्रूट का सीजन है, आधा आधा घंटा एक एक घंटा वहां ट्रैफिक जाम रहता है, और जो वो प्राले का ब्रिज है वो भी मेरे वालिद साहब ने बनाया, वो एक है। यहाँ टूरिज्म के हवाले से बोसिया मैंने डेवलप करा था, वहां मैंने रोड बनवाया था, वो हाफ वे रोड छोड़ दिया गया, उसमें 3.75 करोड़ का नबार्ड का प्रोजेक्ट था, 1.5 किलोमीटर उसमें काम किया गया, 2 किलोमीटर बाकी बीटी होना था उसमें, हुआ नहीं, वो पैसा भी वेस्ट किया। ये मुश्किल से ये दाग बल हम कर काम कर पाए। पिछले 4 साल में जब हमारे अपोजिट यहाँ पर थे MLA थे, 5 साल इन्होंने देखा भी नहीं इसकी तरफ, फिर लैंग्वेज में डाल के इसको हमने कंप्लीट करवाया। इसी तरह बहुत ने मंशूर में कहा कि हम यहाँ के लोगों के लिए नौकरियों के हवाले से, रोजगार के हवाले से वसाइल पैदा करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ काम ये करना पड़ेगा कि जो अपर बेल्ट हमारा है, चाहे वो रफ़ियाबाद एरिया का हो चाहे वो जंगीर एरिया का हो, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, नई जगहें जो है उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और अगर अल्लाह चाह कि हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आती है तो मेरी हतमी ये कोशिश होती है इंशाअल्लाह रहमान, ये सारा जो एरिया है उसको हम काफ़ी डेवलप करेंगे, ताकि नए लोग, नए एरिया जो है वो डेवलप हो जाए, और नए लोग जो हमारे यहाँ पर है, वो 5 अगस्त के बाद जो हुआ यहाँ पर, उसके बाद अगर कोई जमात यहाँ बची है जो रियासत जम्मू कश्मीर लोगों की जमात, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, बाकी सारी जमातें जो है वो बनाई गई हुई जमात, अब किन ने किन लोगों ने उनको बनाया वो सब लोग जानते हैं, मुझे उसमें वाजिया से या तशरी करने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की जमात है, इसकी एक हिस्ट्री है, 1931 से बनी आई है जमात, मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें, उसके बावजूद ये जमात खड़ी है, और मुझे पूरा यकीन है आप रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये मन बना लिया है कि इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह रहमान 50 के बाद। 4-5 साल से चूंकि मैं फील्ड में काम करता हूँ, वक्तन फौरन आपसे भी मुलाकात होती रही मेरी, चूँकि जावेद साहब का जो टेनवर रहा रफ़ियाबाद के लिए, आई थिंक 2009 से लेके या 8 से लेके 14 तक, उसमें मैंने जो डेवलपमेंट देखी है वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी उससे हद से ज़्यादा है। आप देखिए, मैंने अभी सोपोर की जिक्र की, एक मेन टाउन है जो हमारा मिनी सेक्रेटेट यहाँ पे है, 2 डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ पे हैं, 4 तहसील्स है यहाँ पे, ये चीज़ वो किसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपको नहीं मिलेगी। रहा सवाल एक अच्छा खासा पोटेंशियल टूरिज्म का है, जावेद साहब से जब मेरी बात हुई लास्ट टाइम, ये चीज़ इनका विजन जो मैंने देखा है कि वहाँ अपर बेल्ट, चाहे वो मुंडदजी एरिया हो या लदू लडूरा हो, इनके बारे में जो जावेद साहब का ख्याल मुझे लगा, एक विजन लगा कि वहाँ के लोग जो पीछे हैं सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की, जो पीछे हैं उनका एक वाहिद हल जो है उनको रोज़गार तलाश करना, ताकि सिर्फ टूरिज्म को डेवलप किया जाए ताकि उनका जो रोज़गार है, हर कोई देखो हर कोई किसी को मुलाजमत तो नहीं मिल पाएगी, ये चीज़ वाहिद एक हल है टूरिज्म को अगर डेवलप, अगर कुदरत ने इतना बेहतरीन मौका दिया है तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, इतने बेहतरीन रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ये चीज़ दोनों बेल्ट में। अब तीसरा बेल्ट हमारा जंगीर है जो रामपुर राजपुर वगैरह, एक अच्छा खासा टूरिज्म के नक्शे पे लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैंने जावेद साहब से बात की, मैंने सबसे पहले इस चीज़ पे बात की है कि मैं आपको मजबूत करूँगा, मेरा बिल्कुल भरपूर साथ रहेगा, जो तीनों चारों जो बेल्ट है रफ़ियाबाद के, चाहे रामा तहसील हो, वतगाम तहसील हो, डंगीवाचा तहसील हो, या हमारा जंगीर बेल्ट जो है, चारों की एक इक्वलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद पे मैंने, मुझे लगा जावेद साहब सबसे परफेक्ट कैंडिडेट है,
मैंने इस वजह से इनको सपोर्ट किया। शुक्रिया।